नमस्कार हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। हम तालवेहट के पटाखा बाजार में मौजूद है। यहाँ की बात करें तो सीओ इमरान अहमद कोतवाल विनोद कुमार मित्र ने आज दलबल के साथ इस पटाखा बाजार का पूरा निरीक्षण किया और यहाँ के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। यहाँ की जो जरूरतें होना चाहिए उनको देखा और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ के दुकानदारों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं फायर के जो साधन संसाधन है उनको चेक किए, ब्लैंकेट चेक किए, जिनके पास नहीं थे उन दुकानदारों के नाम नोट किए। वहीं उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि पटाखा कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क जोन में होता है और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने लोग तक जाकर हर दुकान पर जाकर पूरी तरह से सख्त हिदायत दी है। और जिस तरह से हम बताएं ये दुकानें लगी हैं सामने, इन दुकानों को लगातार हटाने की भी दुकानें पूरा हिदायत दी है। ये दुकानें यहाँ पर किसी तरह से अधिकृत नहीं है और सुरक्षा के लिहाज से भी नहीं है। इस पर सीओ इमरान अहमद कोतवाल ने साफ तौर पर कहा है कि इन दुकानों को हटा लिया जाए। और जिस तरह से आज तालवेहट का पूरा पटाखा बाजार हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी तरह से सीओ इमरान अहमद ने पूरी हर दुकान पर जाकर जो इसको पिन निकालेंगे, ठीक ये पिन निकल गई, ये सपोर्टर निकल होता है, ठीक उसके बाद ये इसका माउथ है, ठीक यहाँ पे आग लग जाए तो आप यहीं से, ठीक और इसका वो हमेशा नीचे की तरफ पूरे एरिया को कवर करना, ठीक ये खत्म नहीं हुआ अभी भी आप तो आपको परमिशन मिला होगा इसको डालो इससे और आग लगेगी। सही है, एक ब्लैंकेट जैसे ये है दरी है, हाँ इसी तरह जमा हुआ कम्बल आता है जो टेंट वाले ने तो दिए सबकी रजाई सर तुमसे बोल तो ओढ़ने के लिए अपने कंबल मजाक ना समझिए इस चीज को, मजाक ना समझिए। नहीं को कह रहा सर बिछा रखी है जो पूरी तरह से बात की वो हमने सुनाई और पूरी तरह से हर पूरे कवरेज को दिखाया। इस पटाखा बाजार की हर पल पल की अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल हम बताएं कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने जो यहां पर निर्देश दिए हैं कल से अक्षरशः पालन होंगे ऐसा उन्होंने सीधे सीधे कहा है। और फायर ब्रिगेड के जो यहां कर्मचारी हैं उनको भी तैनात यहां तैनात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी है हर परिस्थिति से निपटने के लिए। हालांकि कुछ ना हो लेकिन प्रशासन हर परिस्थिति से निपटने के लिए इस पटाखा बाजार में मौजूद है और हर परिस्थिति से कहीं भी कोई कोताही नहीं, हर पल पल पर नजर रहेगी। इस तरह से पुलिस की बात करें, सीओ इमरान अहमद की बात करें, कोतवाल कमिश्नर की बात करें, दलबल के साथ जिस तरह से आज पूरे पटाखा बाजार को उन्होंने देखा और उन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर की कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी और यहाँ पर खुद यहाँ पर पैदल गश्त किया, पैदल हर दुकान पर गए। से विगत दिवस दो मौतें हुई थी तालवेहट विकास खंड के अंतर्गत विजयपुरा में। वही आज हम तरगोड़ की बात करें तो तरगोड़ में आज ये किशोरी कहीं ना कहीं घरेलू कार्य के लिए मिट्टी लेने गई थी खदान पर, मिट्टी की खदान थी, तरगोड़ का मामला है। और वही खदान धसने से कहीं ना कहीं एक किशोरी गंभीर रूप से घायल हुई, सीएससी तालवेहट लाया गया। वहीं घायल गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रिफर कर दिया गया। लेकिन यही ये बात खत्म नहीं हो जाती। हालांकि मौके पर तालवेहट में आप देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर तहसीलदार अभिमन्यु मौजूद रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रश्न छोड़ रहा है कि लगातार दो दिन से खदाने धसने से लोग घायल हो रहे हैं, दो मौतें गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं खनन अधिकारी पर प्रश्न उठ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज जो जिस तरह से खनन हो रहा है, ये खदानें बनाई जा रही हैं, ये मिट्टी खोद खोद कर जो ये खनन माफिया ले जाते हैं और मासूम कहीं ना कहीं मुट्ठी भर मिट्टी जब घर के लिए लाते हैं तो उनकी जिंदगी दांव पे लग जाती है। ये कैसा समाज है, ये कैसा प्रशासन है कि उन खनन माफियाओं की वजह से आज कहीं ना कहीं मासूम जिंदगी गंवा रहे हैं। एक मुट्ठी भर मिट्टी के लिए जान देना पड़ रही है, वही घरेलू काम के लिए अगर मिट्टी लेने जाते हैं इस तरह से मिट्टियां काट दी जाती है खनन माफियाओं के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों से गड्ढा बना दिए जाते हैं, वहां पर खाई बना दी जाती है। जब मासूम लोग, गांव के लोग अपने घरेलू काम के लिए थोड़ी सी मुट्ठी भर मिट्टी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार
होगा, प्रशासन को जवाबदेही है। और प्रशासन इस वक्त लगातार दो दिन तालवह विकास खंड में ऐसी घटनाएं हुई है, हालांकि आज तक ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने को मिली है, और लगातार ये सिर्फ कहीं ना कहीं खनन की वजह से इतनी बड़ी बड़ी खाई बन गई है कि उनमें गांव के लोग समझ नहीं पाते हैं और जाते हैं और घटना का शिकार हो रहे हैं। फिलहाल ऐसी घटनाएं ना हो, इस ओर प्रशासन क्या पहल रखता है, या मुट्ठी भर मिट्टी के लिए लोगों की जिंदगियां दांव पे लटकी रहेंगी, इस पर भी हमारी नजर। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक अपना बेहतरीन।